वाली दीवार पे हमने कर दिया है पूरा, और इस पर हमने करवा लिया था लेकिन ये कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा था, इसे हम चेंज करवा रहे हैं। भैया कलर लेने गए हुए हैं, ब्लू कलर हो चुका है रॉयल शाइन वाला, अब इस पर डिज़ाइन बनेंगे। कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, ये पिंक पिंक क्वालिटी में तो जब बना रहे थे वो कलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और जब उन्होंने दीवारों पे करा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं दिखाती हूँ आपको, देखो कलर बनाया तो कितना अच्छा लग रहा है लेकिन दीवारों पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए अब हम ये कलर चेंज करवा रहे हैं। और ये तो दीवारों का हम कल चेंज करवा देंगे, ये पापा और वो भैया गए हैं लेने। पूरा घर गंदा है, फैला हुआ है धीरे धीरे, ये माही सो के उठ कर आई है अभी अभी, और सारा घर खराब हो रहा है, अभी सफाई करनी है। बाकी सब जगह का पेंट हो चुका है, बस यही रूम रह गया था, होना बाकी था, ये भी हो चुका है, आज कर देंगे पूरा फिनिश। एरिन लिया और ऊपर का मैंने बालकनी वगैरह सब कर दिए सेट, छत की सफाई होनी है और ऊपर वाले रूम को सेट कर दिया, बस उसकी सफाई होनी है। और मैं और मम्मी, मैं कपड़े धोऊंगी और मम्मी और इसके पापा ऊपर थोड़ा छत तक की सफाई वफाई देख लेंगे। तो चलो मैं जाती हूँ कपड़े धोने, खाना मैंने बनाया है नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हमने कर लिया है, बच्चों ने किया नहीं, बच्चे सो के उठ रहे हैं। वैसे तो भारी मौसम बादल वाला हो रहा है लेकिन मैं धो लूँगी कपड़े, और अगर धूप निकलती है तो सुखा दूँगी। पूरा दिन आज बिजी होने वाला है, काफ़ी काम है, इसलिए तो मेरे साथ बने रहना, ब्लॉग देखना। चलो ठीक है, ये देखो कपड़ों का ढेर इतना सारा अब इस दीवारों पर यहाँ का हो गया है, यहाँ पर बस डिज़ाइन बनेंगे। और ये यहाँ का टीवी है, एक ये नीचे का टीवी है, और ये बिस्तर इसमें जाएंगे ऊपर, और कपड़े धुल जाएंगे तो सारा थोड़ा कमरा सेट लगेगा, सफाई होनी है देखो। और मैं लगा लेती हूँ मशीन। तो मैंने लगा दी है मशीन, इसमें धुल गए कपड़े, बाकी के मैंने छाट लिए हैं कौन से पहले जाने हैं, इसका भी सारा सामान जम चुका है। और बस अब मैं जा रही हूँ, अयान भी अभी उठे हैं सो के, उनका ब्रेकफास्ट बनाने, उसके बाद जब तक धुलते रहेंगे ना कपड़े, और फिर मैं आके करूँगी। आज बहुत थक जाना है, आज तो हमें काफ़ी काम है क्योंकि आज संडे भी है, और फिर कल से ऑफिस वगैरह सब चालू हो जाएगा इनका, तो बच्चों की क्लास वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगी ऑनलाइन, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए जितना होगा आज सारा मिट्टी का तो सारा समेट देंगे। और दिखाती हूँ मैं गैलरी, मैंने कैसे देखो सारा जमा दिया मैंने सही से, उधर हमारे एक्स्ट्रा सिलेंडर थे इसलिए सिलेंडर रख दिए, और ये हमने नया नल लगवाया है डायरेक्ट मोटर का, तो पानी काफ़ी तेज आता है नई लाइन। ये भैया पेंट कर चुके थे जब लगवाया था हमने, देखती हूँ करते हैं नहीं करते हैं दोबारा से। ये धुल रहे हैं कपड़े, और जब तक मैं उनका बनाती हूँ लंच और सॉरी ब्रेकफास्ट, और आप देखिए कितना हो रहा है, अब मैं पूरा क्लीन करके आपको सारा दिखाऊंगी कैसा लग रहा है। तो चलिए, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल।
तो ये है नेक्स्ट डे का। कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मुझे कपड़े धोते धोते इतनी देर हो गई थी और थक चुकी थी मैं काफ़ी। और वो भाई, जब तक भैया ने ये रूम फिनिश कर दिया था पूरा पेंट वगैरह करके, और वो अब चले गए, उनका काम ख़त्म हो गया, तीनों रूमों का हो चुका है पूरा पेंट ख़त्म और सब कर दिया है उन्होंने। और हमने फिर वहाँ से ऊपर से आके मैंने कपड़े धोए थे और बारिश आ गई थी, इस वजह से मैं कपड़े नहीं सुखा कर आई थी, तो वो कपड़े मैंने अभी सुखाए। और छत पे काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है और ये देखिए हमारा पैंट पूरा हो चुका है, डार्क ब्लू और ये येल्लो, हल्का लाइट वाला येल्लो कलर है। और पूरी क्लीनिंग कर ली है, पैंट वगैरह सब छुड़ा दिया है फर्श पे से अच्छे तरीके से। उसके पापा ने लैंप और टीवी वगैरह सब सेट कर दिया है, बस हमें ये लगानी है। ये तो ऊपर के रूम की है, नीचे के रूम के ऊपर रखी हुई है। और ड्रेसिंग वगैरह सब सेट कर दिया है और पर्दे भी लगा दिए, पर्दे वगैरह सब लगा दिए, सब फैन वगैरह सब क्लीन कर दिया है सारा कुछ। आपको मैं ऐसा करके दिखाती हूँ, ये देखिए सारा कर लिया है हमने, सारा पूरी सफाई कर ली अच्छे तरीके से। ये सब पेंट हमारी दीवार कितनी प्यारी लग रही, देखिए वॉल। और ये बस मुझे फ्रिज को थोड़ा साफ करना है, ये इन पे दोबारा कपड़ा मारना है, सब पे कर दिया था हमने, सारा सेट कर दिया है। बस यहाँ पर कालीन वगैरह छाना है, बस ये अलमारी का कुछ करना है, बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही है, इस पर हम पेंट करेंगे, इसी कलर का होता है इसी वाले का। और बाकी सब है, बस मुझे ना करनी है बेडशीट वगैरह सब बिछा दी थी कल, और यहाँ पर वो बिछाना है। और ये इसको उतार के धोना है, इसका नया बनाना है कवर। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर वाले रूम में। तो ये दीवार देखो कितनी प्यारी लग रही है, कलर इसके पापा की पसंद की है और ये येल्लो कलर मेरा पसंद का। पहले मैंने दिखाया था ना आपको, ये कलर दूसरा कराया था हमने, ये पिंक वाला कलर कराया था, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा था दीवार पे, हमने ये येल्लो कलर कराया, येल्लो भी कह लो इसको, लाइट येल्लो है ये, इसके साथ कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर के रूम की सफाई करने, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा मट्टी हो रही है, क्योंकि ऊपर के पैर फिर नीचे गंदे आएंगे। और रसोई मैंने भी कर दी थी, लेकिन आधी रसोई रह गई है, आधी रसोई की टाइल वगैरह धोनी है और जीने की टाइल धोनी है, जीना धोना है पूरा। वैसे तो वैसा धो दिया था मैंने, और यहाँ पर भी मैंने काफ़ी अच्छा सर्फ वगैरह घेर के साफ सफाई करी है। अब मैं जा रही हूँ ऊपर, चाय वाय पी ली है मैंने, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बच्चे उठ गए हैं वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और बस अब मैं ऊपर के जाके सफाई करती हूँ और कपड़े उतारूँगी, इसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ ब्लॉग, आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए ऊपर का रूम तो हो रहा मैसी सा, इसको भी कर देते हैं, दीवारों पर हमने ज़्यादा डिज़ाइन बनवाया है, इस दीवार पे ये वाला लाइट करके दिखा, थोड़ा सा ये सब मैं साफ कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ इसको, पूरा गंदा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सफाई, जीनू बिछड़ने में थक गई मैं, तो चलो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि कल बारिश आ गई थी, गद्दे वगैरह छत पे सूख रहे थे, धूप लगानी थी उन्हें हमें थोड़ी सी, तो उन्हें जल्दी 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 नीचे ला के लाना पड़ा, रखना पड़ा, इसलिए पूरा फैला हुआ है, लेकिन स्टार्ट करने से तो होगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। पहले घर का दरवाज़ा खोल देती हूँ, सोच चुके रखे मैंने, चलो कैमरे को सेट करके फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। समेट दिया है घर,
गद्दे वगैरह मैंने धूप में डाल दिए हैं छत पे, और ये सब बंद कर देती हूँ। अब मैं करती हूँ पानी की धुलाई। ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, और लॉइन यहाँ ही रहेगा, और ये मशीन भी यहीं रहेगी, साइड में हो जाएगी। बस अब मैं करती हूँ धुलाई और चुकी हूँ, क्योंकि ऊपर नीचे जीनों में इसके पापा होते हैं तो वो सामान उठा के ले जाते हैं। तो बस जल्दी से कर लेती हूँ, ठीक है। शादी के दिन भी पास में आते जा रहे, फरवरी में है उसकी शादी, और फिर हमें शॉपिंग, इसलिए मुझे बच्चों के भी कपड़े वगैरह लेने हैं, तो उसी की हम तैयारी में लग जाएंगे। इसलिए बहुत जल्दी कितनी प्यारी लग रही दीवार। अब मैं यहाँ ही ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।